पे है उसकी, बाकी वो भी नीचे। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संदूष तीर्थांकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है रोजाना हम आप लोगों के लिए नित नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, धर्म से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी। आज हम बात करने वाले हैं भैया दूज की, भाई दूज की, कैसे परंपरा शुरू हुई, क्यों मनाई जाती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। सरकार साहब, आपको, आपके सारे साथियों को, टॉप स्टोरी और हमारे जितने व्यूअर्स हैं सबको दिवाली पर्व श्रृंखला के अंतिम दिन की, जिसको भाई दूज कहते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सभी लोग खुशहाल होंगे, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अभी अभी सरकार ने बताया भाई दूज के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ क्यों मनाई जाती है और उसके मनाने से लाभ क्या होता है। दोस्तों, सही बात तो यह है कि भाई की लंबी उम्र, बहन और भाई का एक समय के पश्चात मिलन, यही इसका एक मुख्य उद्देश्य रहा है जी। हर बहन चाहती है उसका भाई हमेशा बना रहे, इसीलिए यमराज को ये समर्पित है। यमराज और उनकी बहन दोनों ने मिलकर इसकी पूजा करी और यमराज ने वचन दिया कि हर साल कृष्ण शुक्ल पक्ष की द्वितीया दिवाली के दो दिन बाद जो भाई और बहन आपस में मिलकर, बहन उसको टीका करेगी, गोला देगी, दोनों इस यमुना में स्नान करेंगे, बहन अपने भाई को भोजन कराएगी, भाई बहन के घर में जाएगा और जो ये काम करेगा उसके भाई को मैं जीवन पर्याप्त कभी भी असमय मृत्यु का वरदान देता हूं। कभी असमय मृत्यु होगी ही नहीं उसकी, अर्थात धरती पे आने वाला जाना जरूर है लेकिन अपने वक्त पे जाएगा, अकाल मौत से बचा रहेगा जी। नारी के प्रेम और सम्मान को स्मरण कराता एक और पर्व, पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के दिन बहुत समय से बिछड़े हुए सूर्य पुत्र यम और सूर्य पुत्री यमुना जी का मिलन हुआ था। कभी अपनी रक्षा के संकल्प के लिए भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधने वाली नारी आज भाई के माथे पर तिलक कर उसे यमपात से मुक्त करने तक की अपनी सामर्थ्य का परिचय देती हुई दिखाई देती है जी। भाई के सुखद जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना कर बहन सदैव उसकी मंगल चाहने वाली बनी रहती है जी। मां, पुत्री, पत्नी, बहन और अन्य कई रूप है स्त्री के जो कोई पहचान नहीं सकता। मनुष्य जाति के लिए जो प्रेम, त्याग, समर्पण है वह अकल्पनीय है। देखिए आप, जब वो करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति के लिए रखती है, जब वो हुई स्त्री का रखती है तो अपने संतान के लिए रखती है जी। जो ये उपवास होता है ये अपने भाई के लिए होता है जी। ऐसे और भी ब्रह्मावास और भी बहुत सारे उपवास है जो मानव जाति के लिए रखे जाते हैं और हमेशा स्त्री ही ये व्रत रखती है, कभी पुरुषों के लिए कौन सा व्रत आया? अगर आपको कोई सम्मान हो तो बताइए। तो मेरी सोच है काश बहनों के लिए भी साल में एक त्योहार पुरुष लोग भी रखें, उसके नाम का व्रत करें, उसके नाम की पूजा करें। गली, मोहल्ले, गांव, नगर, शहर, सब जगह पर एक ही चर्चा हो, वो हो बहनों की सुरक्षा। हमारी बहनें सुरक्षित रहें। जो मैं अपनी बहन के लिए चाहता हूं वो संसार की सारी बहनों के लिए मैं चाहूं, ऐसा स्वरूप होना चाहिए हम लोगों का। बहनों की तरफ कोई आंख उठा के भी ना देखने की हिम्मत कर सके, बहनों को आरक्षण नहीं सुरक्षा करने के अभियान चले। ऐसे त्योहार जिस देश में जिस दिन मनाए जाएंगे, सबसे ज्यादा खुशी टॉप स्टोरी के सुनने वालों को, मुझे, सरकार और हमारे सीईओ साहब सभी को मिलेगी जी। बिल्कुल। और दोस्तों, हमें संकल्प लेना चाहिए, त्योहार की सार्थकता तभी है जब हम आज ये प्रेरणा लें, हम आज ये प्रण करें कि हमारे देश की बहु बेटियां
बहनें सुरक्षित रहेंगी और उसके सुरक्षा के दायित्व इस माथे पे लगे हुए टीके के ऊपर होगा। हर भाई को ये चाहना होगी कि मेरी बहन सुरक्षित रहे, चाहे वो मेरे पड़ोस की बेटी हो, मेरे गांव की बेटी हो, मेरे नगर की बेटी हो, सुरक्षित रहे, तभी इस त्योहार को सार्थकता मिलेगी। मैं आपको कहानी के रूप में ये त्योहार बताता हूं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया, छाया से उत्पन्न यम और यमुना दोनों सगे भाई बहन, दोनों में बहुत ज्यादा स्नेह। यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय ही नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए, यमुना की खुशी का उस दिन ठिकाना ही नहीं रहा। मित्रों, उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। यमुना ने अपनी बहन का एक बहुत सत्कार किया और चलते समय उसको एक नारियल भेंट किया। यमराज ने पूछा कि ये क्यों, तो यमुना बोलती है, ये नारियल गोला आपको मेरी स्मृति याद कराएगा। यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि कितने ही आप व्यस्त हो, आज के दिन, भाई दूज के दिन आप जरूर मेरे साथ आइएगा। जी, तो यमराज जी ने उनको वचन दिया, आश्वासन दिया कि मैं भाई दूज के रोज तुमसे तिलक कराने जरूर आऊंगा। जी, दोनों भाई बहनें हर साल यमुना जी में स्नान करते, बहन यमराज जी को भोजन कराती, तब से इस परिपाटी का जन्म हुआ। हर त्योहार की कुछ ना कुछ मर्यादाएं हैं, हर त्योहार कुछ ना कुछ सीख देता है। जी, और आपको बता दूं, किसी बहन को अपने पति से मंगल टीका करने के लिए इजाजत लेनी नहीं पड़ती है, वो अपने पति के आदेश के ऊपर जाकर भी अपने भाई को तिलक कर सकती है। ये प्रेरणा हमको यहाँ से मिलती है। हमारे सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी पद्धति पे आधारित है। जी, और मुझको बड़ा फक्र है कि मैं सनातन धर्म में उत्पन्न हुआ और आज आप लोगों को टॉप स्टोरी के माध्यम से ये बताना जा रहा हूं कि हम लोग अपने भाई की लंबी दुआ, आयु की दुआ करें, लेकिन हम भाइयों की भी से उम्मीद करता हूं कि वो भी अपनी बहनों को लंबी आयु के लिए, सदा खुशहाल और सुरक्षित रहने के लिए वचनबद्ध हो, और ये वचन एक बहन के लिए संसार की सारी बहनों के लिए। जी आचार्य, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे जय श्री सरकार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी भाई दूज पर देने के लिए। हमारे दर्शकों को उम्मीद है, दर्शकों को ये कार्यक्रम आज का बहुत पसंद आ रहा होगा। अगला जो आज का हमारा विषय है, काफी लोग पूछते हैं क्योंकि आज शनिवार भी है, शनिवार को शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, ये तेल चढ़ाने की परंपरा क्या है आचार्य जी, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों का आचार्य जी ज्ञान वर्धन कर दीजिए। देखो दोस्त, शनि को लंगड़ा कहा जाता है। जी, क्यों कहा जाता है, ये शब्द क्यों आए, ये एक सोचने का है। और मेरा जहां तक समझना है, मैं जहां तक सोचता हूं, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर बने होंगे जिसकी वजह से ऐसा कुछ आया है। पुराणिक है, सारी बातें हैं। मेरा ये भी कहना है कि शनि अपने आप में न्याय का स्वामी है। न्याय की बात होती है तो ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती है। जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि के साथ दो बातें हैं, एक तो लंगड़ापन और एक उनको तेल चढ़ाने की विधि को चढ़ाया जाता है। तो शनि के लिए पहले हम बात करते हैं कि उनकी एक माया माँ ने उनको शराब दिया कि जा तेरा एक पैर टूट जाए। मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा ये बात। उन्होंने ये बात जाके अपने पिता सूर्य को बताई। जी, सूर्य ने कहा वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती, माँ कभी भी ऐसा शराब नहीं दे सकती। जब जाके सूर्य ने पूछा अपनी पत्नी से, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं थी वहां पर। बाद में पता चला कि वो एक और महिला थी जो सूर्य की पत्नी के रूप में आके शराब दिया था। तो सूर्य ने शनि से कहा कि शनि देव,
ये जो आपको शराब दिया है ये माँ के रूप में आके किसी और महिला ने दिया है। शनि को गुस्सा आया तो सूर्य देव ने कहा गुस्सा मत हो पुत्र, ये जो शराब है इसका असर तो होगा कि माँ के रूप में उनने शराब दिया है, लेकिन आपका पैर आपके शरीर से अलग नहीं होगा लेकिन लंगड़ाहट जरूर आ जाएगी। इस प्रकार शनि में लंगड़ापन आया और लंगड़ा जी कि शनिदेव रावण के यहां पर कैद थे, हनुमान जी के पूछ में आग लगाई गई, हनुमान जी के पूछ में आग लगाने के बाद रावण की सारी लंका को जला दिया गया जी। लेकिन उस ये क्या देखते हैं कि जलने के बाद वो सोना और ज्यादा सुंदर होके लंका चमकने लगी जी। हनुमान जी बड़े विचार में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि आप सभी को पता है कि सोना जितनी आग में जाता है उतना ही ज्यादा चमकदार हो जाता है जी। तब वो एक कमरे में देखा कि एक जगह पर एक भूत सा लटका हुआ है, उल्टा पैर बंधे हुए है। उन्होंने शनि उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो, हनुमान जी को बताया मैं शनिश्चर हूं। हनुमान जी ने उसे उतारा, उसे उतारने के बाद उससे कहा तुझे क्या ऐसा क्या हो गया कि तुझे यहाँ पर उल्टा लटका रखा था। बोला शनि रावण ने मुझे कैद कर रखा था, मैं न्याय का देवता हूं और रावण एक अधर्मी, जब उसने न्याय को ही अपने बस में कर लिया था तो वो जो बोलता था वही न्याय माना जाता था जी। तो हनुमान जी ने शनिचर से कहा कि तू लंका में अपनी निगाह से देख ले तो ये काली हो जाएगी। शनि ने मना किया कि मैं उसकी कैद में हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने उसे चारों पैर पकड़ के चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। शनि उससे बहुत लोल लुहान हो गया, जगह जगह खून निकलने लगा। आखिर में शनि ने हार मारी, मुझे बचा दो प्रभु तो मैं आपका ये कर दूंगा जी। हनुमान जी रुक गए तो शनि ने अपनी निगाहों से चार लंका को देखा तो लंका देखते क्या है कि लंका सारी की सारी काली हो गई और जल गई। और शनिचंद ने कहा प्रभु अब तुमने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, सब जगह जख्म हो गए, अब इसका क्या करूं। तो हनुमान जी ने सरसों का तेल उनके जख्मों पर लगाया और तेल लगते ही उनके जो जख्म थे वो सूख गए और वो ठीक हो गए जी। अभी से ये प्रावधान हुआ कि शनि को सरसों का तेल चढ़ाना शुरू हो गया और रामायण काल से ही आज तक शनि को हर शनिवार को या जो भी जिस दिन भी कोई चाहता है उस दिन सरसों का तेल चढ़ाते हैं जी। ये थी शनि के लिए। शनि एक न्याय के देवता है, कहते हैं शनि के जिस पर निगाह पड़ जाए, शनि के जो दर्शन करते हैं वो सौभाग्यवान नहीं होते। आजकल देख रहा हूं ये भेड़ा चाल है, हर चौराहे के ऊपर शनि विराजमान है, शनि के मंदिर बन गए हैं, ये सब गलत है। मानव समाज में शनि की उपयोगिता नहीं है। शनि कहां होता है? गरीबों में। शनि कहां होता है? नाले के किनारे रहने वाले लोगों में, शनि अंधेरे में, जंगलात में, या जिन लोगों को शरीर कोढ़ी हो गया है वहां पर शनि होता है। शनि न्याय का देवता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे चक्र में जब शनि आता है तब इंसान को वो परेशान करता है, उसकी बुद्धि को वो हर लेता है। ये है शनि। आज शनिवार है, तिवार का दिन है, आज हम इसी वजह से इस बात को लेके आए। शनि का चक्र 30 साल का होता है। और आपको बड़े मजेदार एक बात बताता हूं, 1857 में देश में क्रांति का गदर हुआ था। शनि के 3 चक्र पूरे होने के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, जबकि 1948 में देश को आजाद होने की घोषणा हो चुकी थी जी। शनि का इससे बड़ा उदाहरण सारे संसार में कोई दूसरा नहीं है। ग्रह अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं। जो लोग न्याय की बात करते हैं, जो लोग औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, शनि कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस चीज को इस मंच से मैं आपसे कह देना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य एक है, हम चले ज्ञान की ओर। और आज इसी बात को लेके ये दोनों कहानियां मैंने आपको सुनाई। कोई और मेरे से संबंधित हो तो बताए जी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आज शनि की कहानी और भाई दूज की कहानी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, उनको इसकी महत्ता बताने के लिए। आज दर्शकों समय की थोड़ी सी हमारे पास पाबंदी है, त्योहार भी है, तो आज हम आप लोगों के लाइव सवाल जो है वो नहीं ले पाएंगे, वो हम कल के कार्यक्रम में लेंगे। और आज जो सवाल आए हैं वो भी हम कल लेंगे।
तो एक बार फिर से सभी दर्शकों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से आप सभी लोग प्यार प्रेम से इस उत्सव को, इस त्योहार को मनाएं, यही हमारी कामना है। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा समय देने के लिए। जय श्री राम। आप सब लोग खुशहाल रहे, मस्त रहे, देश के साथ बने रहे, देश के लिए कुछ अच्छा करें और देश में सुख शांति और समृद्धि बने, आपस में भाईचारा बने और हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहे। नमस्कार। तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।